बिहार दैनिक समाचार सुपर फास्ट में आपका स्वागत है। बिहार में गुरुवार को 2451 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। इसके साथ ही राज्यभर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,15,210 हो गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में पटना सहित 3 जिलों में 100 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिले। पटना में सर्वाधिक 367 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि मधुबनी में 141, कटिहार में 102 और मुजफ्फरपुर में 174 नए संक्रमित मरीज मिले। बिहार में बीते 24 घंटे के दौरान मिले कोरोना के 2,884 नए मामले। अभी तक हुए करीब 20 लाख जांच में 84,578 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। फिलहाल राज्य में 27,000 से अधिक एक्टिव मामले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 568 हो गया है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत कोरोना संक्रमित पाए गए। उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात की जानकारी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 15,000 करोड़ रुपए की लागत से 14,405 योजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं के गुणवत्ता और समय पर पूरे होने पर ध्यान रखा जाए। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जीतन राम मांझी की पार्टी हम महागठबंधन से अलग हो गई है। मांझी की पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया कि वह अब महागठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 से पहले सभी दलों में टूट फूट जारी। इसी बीच राजद के निष्कासित 3 विधायकों ने गुरुवार को जदयू का दामन थाम लिया। जदयू कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में विजेंद्र यादव और श्रवण कुमार ने तीनों विधायकों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। बिहार में विधानसभा चुनाव में सीमांचल में रोचक सियासी मुकाबले होने की उम्मीद है। सीमांचल के 4 जिले पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज में 24 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 60 लाख मतदाता इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले की जांच सीबीआई के पास जाने के बाद शिवसेना ने बिहार सरकार को निशाने पर लिया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में सुशांत केस में बिहार पुलिस की जांच के अधिकार पर कई सवाल उठाए हैं। शिवसेना ने कहा कि इस केस में बिहार पुलिस की ओर से जांच किया जाना महाराष्ट्र के लिए अपमानजनक है। पूरे सूबे के शिक्षकों ने नई सेवा शर्त की प्रतियां जलाकर किया नीतीश सरकार का विरोध। खगड़िया में भी शिक्षक नेता मनीष कुमार सिंह की अगुवाई में शिक्षक संघ बिहार ने सेवा शर्त की जलाई प्रतियां। बिहार में 20,000 NHM कर्मियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहे बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ सकती हैं। महागठबंधन में घोषित तौर पर सीटों के बंटवारे को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, मगर भीतर ही भीतर इसको लेकर कवायद चल रही है। राजद पहले से करीब 1.5 गुनी सीटों पर लड़ने का मन बना चुका है। वहीं कांग्रेस भी पहले से ज्यादा सीटें चाहती है। मांझी की जदयू के साथ जाकर NDA का हिस्सा बन जाने की स्थिति में रालोसपा, VIP और वाम दल महागठबंधन का हिस्सा होंगे। कांग्रेस फिलहाल राजद के सामने बाकी सहयोगी दलों की अगुवाई करती दिख रही है। बिहार में 15 वर्षों से लगातार सत्ता में शामिल रहकर सरकार चला रही जदयू पिछले करीब 3.5 माह से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा है। प्रखंड से लेकर राज्य स्तर के कार्यकर्ताओं को यह साफ साफ निर्देश दिया गया है कि उन्हें जनता के बीच किन किन मुद्दों को लेकर जाना है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में रिया चक्रवर्ती पर अपने बयान औकात पर सोशल मीडिया में ट्रोल होने के बाद बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे ने भी कसकर लतारा है। DGP ने एक बयान में कहा कि औकात का मतलब कद से है और रिया चक्रवर्ती का ऐसा कद नहीं है कि वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कोई कमेंट कर सके। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि वह सुशांत सिंह राजपूत केस में नामजद आरोपी है। पटना हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में बिहार कर्मचारी चयन आयोग को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के इस दौर में भी जीविका दीदियों ने अपनी उद्यमिता बनाए रखी है। उन्होंने गया में LED बल्ब बनाने की एक फैक्ट्री डाली है। सरकार ने इस फैक्ट्री के लिए डोभी में 18,000 वर्ग फुट जमीन और भवन भी दे दिया है। मुजफ्फरपुर में 13 महीने के भीतर 65 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला द्वारा 8 बच्चों के जन्म देने के नाम पर सरकारी राशि का गबन किया गया है। एक अन्य महिला को तो एक ही दिन में 2 बच्चे को जन्म देने के मामले में राशि भुगतान की खबर है। मामला मुजफ्फरपुर के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में फर्जीवाड़ा का है। बिहार में सियासी घमासान के बीच दल बदल जारी है। लालू प्रसाद यादव के समर्थक चंद्रिका राय राजद को छोड़ जदयू में शामिल हो गए। इसके अलावा फराज फातमी और पालीगंज के RJD विधायक जयवर्धन यादव जदयू में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी साल की बड़ी सौगात दी है।
उन्होंने 15,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का तोहफा दिया। उन्होंने 747 पुलों और 59,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का उद्घाटन व शिलान्यास किया है। बाणसागर डैम से सोन नदी में 1,80,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद बिहार में अलर्ट जारी कर दिया गया है। रोहतास से लेकर पटना तक जिला प्रशासन को हाई अलर्ट किया गया है। यह पानी 5 दिनों में रोहतास पहुँच जाएगा। बेगूसराय के बीरपुर थाने क्षेत्र के दो पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट में कई लोग घायल हो गए हैं। बिहार सरकार द्वारा शिक्षकों के साथ हुए छलावे पर खगड़िया टीटी शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर बिहार सरकार का विरोध जताया है। बेगूसराय के बखरी में फल दुकानदारों का हाई वोल्टेज ड्रामा, वीडियो और सीओ के ऊपर फेंका सरा हुआ फल। बांका जिले के कटोरिया थाना क्षेत्र में 2 झपटमारों के द्वारा 1,08,000 रुपये की लूट की गई है। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर सहरसा मुख्य मार्ग पर शाम में ट्रैक्टर की चपेट में आने से महाराष्ट्र निवासी दिलीप सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। बेगूसराय जिला अंतर्गत बीरपुर थाना क्षेत्र के बीरपुर पूर्वी पंचायत में देवेंद्र चौधरी के घर में गुरुवार को चोरी करते एक चोर को ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ा, किया पुलिस के हवाले। तो इसी के साथ बिहार दैनिक समाचार का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। फिलहाल अमलेंद्र कुमार को इजाजत दीजिए, कल मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।